एक माँ की बेबसी कविता को आप लोगों ने पहली जो वर्कशीट आई थी उसमें पढ़ा था। पास बैठी उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूं उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो ये हमें कविता का अगला अंश बताया गया है। तो आपने इन कविता को पढ़ा, अब हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। माँ रतन के पास बैठकर क्या करती थी? तो माँ रतन के पास बैठकर उसको निहारती थी। जो उनकी माताश्री थी वो उसके पास बैठती थी और उसे निहारती थी। रतन की माँ की आंखों में किस तरह से बेबसी झलकती थी? तो जो रतन की माँ थी उनकी आंखों में दुख की बेबसी झलकती थी, क्योंकि वो इतनी बेबस थी कि वो कुछ नहीं कर सकती थी। यदि आपकी कक्षा में कोई रतन जैसा बच्चा हो तो उसकी सही शिक्षा के लिए क्या क्या सुविधाएं स्कूल में होनी चाहिए? तो सोचे, और दो सुविधाएं खुद लिखनी है आपको। ये आपको सेल्फ करने वाला क्वेश्चन है जिसको आप लोग खुद करेंगे। सेकंड है उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। रतन की माँ की आंखों में बेबसी दिखाई देती थी। अब लिखेगा ये भाव अपने माता पिता की आंखों में कब दिखाई देते हैं? प्यार जब वो खुश होते हैं, चिंता जब वो परेशान होते हैं। तो इस तरह से आप लिखेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय। चैनल को आप सभी बच्चे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।